हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। बेसिकली इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ये मैट्रिक्स है, ये बेसिकली जो इन्वर्स निकलेगा, तो ये भी हमें याद रखना है, जो इस इन्वर्स निकलेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा, उसी का स्क्वायर निकलेगा। ए बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस, जनरलाइज द नोटेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो नंबर ए बिलोंग्स टू आर। फॉर्मली स्पीकिंग, द इन्वर्स ऑफ नॉन जीरो नंबर ए बिलोंग्स टू आर इज द यूनिक नंबर सी बिलोंग्स टू आर। अगर हम सिंपल नंबर्स में बात करें, तो सिंपल नंबर्स में अगर बात करें, ये कोई नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होता है? उसका इन्वर्स बेसिकली अगर सी है तो सी डॉट ए बराबर वन होता है, यानी कि सी बराबर वन अपॉन ए। सिमिलरली अगर इन्वर्स में बात कर मैट्रिक्स में बात करें, तो मैट्रिक्स के लिए बेसिकली ए कोई मैट्रिक्स है। अब ऐसा मैट्रिक्स बी जिसके लिए इनका मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो, तो वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टेबल इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बेसिकली ए बराबर बी इन्वर्स, तो इस कंडीशन में ए बराबर, अब ए बराबर सॉरी ए बी इन्वर्स नहीं लिखेंगे इसको, ए बराबर इसको लिख सकते हैं आई एन अपॉन बी। ऐसे ये डोनेशन नोटेशन देते नहीं हम कभी, ए बी बराबर ये, या हम ये कहें ए बराबर, अगर ये बी को हम ए इन्वर्स से डिनोट करें तो ए डॉट ए इनवर्स बराबर आई एन होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जिन दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स जो कहलाता है दूसरा मैट्रिक्स, यानी ए का मैट्रिक्स, ए के लिए अगर ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक है तो ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं, आ मैट्रिक्स ए बिलोंग ऑफ आर जो है एन एन क्रॉस एन इज कॉल्ड इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स सी बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा सच दैट ए सी बराबर आई एन एंड सी ए बराबर आई एन, यानी ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ए जो है इनवर्स है सी का एंड सी जो है ए का इनवर्स है। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी यहाँ से भी बनती है, ए का एन ए अगर ए का हम इनवर्स निकालें तो उसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, बट ए इनवर्स के इनवर्स निकालें तो वो होगा हमारे पास ए। एक प्रॉपर्टी ये भी बनती है हमारे पास। और यहाँ पे अगर देखें, इफ ए इज इन्वर्टेबल देन कैन इट हैव मोर देन वन इनवर्स, तो इसको चेक करने के लिए सपोज दैट देयर एग्जिस्ट सी वन एंड सी टू, सपोज कर लिया कि हमारे पास सी वन और सी टू दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं जो कि ए के इनवर्स हैं, तो उस कंडीशन में ए सी वन बराबर आई एन होगा और ए सी टू बराबर भी आई एन होगा, ये होगा। तो अगर तो सी टू डॉट आई एन, क्योंकि आई एन जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, तो सी टू और ये हो गए हमारे पास। आई एन को क्या लिख सकते हैं? आई एन को ए सी वन, या इसको लिख सकते हैं सी ए वन, सी ए वन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सब ए सी वन से लिख रहे हैं, ए सी वन, तो ये हो गए हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो सी टू ए सी वन, तो ये हो गए हमारे पास आई एन सी टू ए जो है यहाँ से इक्वल टू सी टू ए, तो सी टू ए सी वन बराबर सी वन, जो कि हमने सी टू लेके चले थे इक्वल टू सी वन आ गया। तो इसके जो अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है फ्रेंड्स। अब फिर यहाँ पे एक और थ्योरम है, लेट ए बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एन एंड सपोज दैट ए इज इन्वर्टेबल, और सपोज करना है कि ए जो है वो इन्वर्टेबल है, देन फॉर बी बिलोंग्स टू आर एन द मैट्रिक्स ए एक्स बराबर बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से दिया जाएगा ए इनवर्स बी से। तो इसको प्रूव करते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू आर एन बी एन आर्बिट्री वी आर्बिट्री देन मल्टीप्लाइंग बाई द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, यानी ये हमारे पास था तो ए एक्स बराबर बी से मल्टीप्लाई किया, यानी
एक्स बराबर बी तो था ही, तो अब हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, दोनों से तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए डॉट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई और एक्स ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स बी, तो ये हो गया आई, ये आई एन बेसिकली ये हो गया एक्स बराबर ए इनवर्स बी, क्योंकि ये जो है इन्वर्टेबल है, तो ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर विद एक्स बराबर ए इनवर्स बी बराबर वी हैव ए एक्स बराबर, अगर अगर सपोज अब दूसरी साइड से अगर एक्स बराबर ए इनवर्स बी है, तो उस कंडीशन में ए एक्स बराबर हो जाएगा ए डॉट ए इनवर्स बी, जो कि ए डॉट ए इनवर्स बराबर बी, यानी आई एन बराबर बी, तो बेसिकली बी। तो यहाँ से हमारे पास जब ये सॉल्यूशन, ये कंडीशन थी, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा था, और सॉल्यूशन में पुट करके देखा तो ये हमारे पास बी के इक्वलेंट आ रहा है। दस एफ एंड दस एक्स बराबर ए इनवर्स इज अ सॉल्यूशन। अब अगर ये चेक करने के लिए ये सॉल्यूशन यूनिक नहीं है या यूनिक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, लेट ए इनवर्स बी बराबर एक्स वन एंड ए इनवर्स बी बराबर एक्स टू, ये है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए इनवर्स, अब चूंकि यानी दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन का मतलब ए इनवर्स बी बराबर एक्स वन भी है और ए इनवर्स बी बराबर एक्स टू भी है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि ए इनवर्स बी जो है बेसिकली एक कॉलम आता है, सबको पता है ए इनवर्स बी जो है एक कॉलम आएगा, तो वो कॉलम एक कॉलम दूसरे कॉलम के इक्विवेलेंट कब होगा, जब एवरी एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हम एक्स वन बराबर एक्स टू भी कह सकते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है, यूज द एग्जाम्पल 10.3 टू सॉल्व द सिस्टम एक्स बराबर बी, बेसिकली ए बराबर ये है बी बराबर ये है, तो हमें एक्स निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो बेसिकली एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, क्योंकि ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में है, तो ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स तो हमें हमें निकालना स्टार्टिंग क्लास में सिखाया जाता है, बट अगर फिर भी किसी को नहीं आता है और जो जनरल फॉर्म है उसको भूल जाता है, तो उस कंडीशन के लिए मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को लिखना है, इस वाले मैट्रिक्स को, यानी ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को लिखना है यहाँ पे, जैसे 1-1 -2 -3 2 6 0 -2 1, और साथ में एक मैट्रिक्स और लिखना है जिसमें एंट्री करनी है हमें 0-1-0 0-1-0 0-0-1। अब मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस इस तरह से लगाने हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बन जाए 1-0-0 0-1-0 0-0-1, मतलब इस तरह से रो ऑपरेशंस जो है वो इनको ध्यान में रख के लगाने हैं। जब ये बन जाता है, तो उस क्योंकि मैट्रिक्स पे सारे रो ऑपरेशन साथ में इनमें भी लगेंगे, इनमें भी लगेंगे, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स जो है वो एक इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आप मैट्रिक्स के बिल्कुल ही फॉर्म भूल जाते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली ए इनवर्स जो है वो ये आ जाएगा। अब ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी जो है, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में पहले ही चेक सीख चुके हैं, जैसे इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, तो -14 का मल्टीप्लाई -14, -3 का मल्टीप्लाई -3 से, तो +9 एंड -6 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो जाएगा +6, तो ये हो गया 1। इसी तरह से 0 एंड फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया ए इनवर्स बी बराबर ये, तो ये जो है हमारे पास एक्स वन बराबर आ गया 1, और इस तरह से ये आ गया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, वेरीफाई करने के लिए सिंपली ए इंटू एक्स, ए ये और इंटू एक्स, यानी कि ये वाली चीज, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बी है वो आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा, तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।